हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रेवदर तहसील परिसर के बाहर दिया धरना। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य ने कहा कि भाजपा के शासन में व्यापारी बन रहे बाबा और बाबा बने व्यापारी। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी सिरोही जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह रत्नू को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दामों पर उत्पाद शुल्क के नाम पर की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीवाराम आर्य ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार व पतंजलि को घेरते हुए कहा कि भाजपा के शासन में व्यापारी बाबा बन रहे और बाबा व्यापारी। उन्होंने कहा कि भाजपा 30 रुपए प्रति लीटर में डीजल पेट्रोल जनता को देने का वादा पूरा करे। सन 2013 में आज के प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर आकर ये कहते थे कि अगर वे सत्ता में आए तो देश में पेट्रोलियम पदार्थ कम दर पर उपलब्ध करवाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह देवड़ा, भटाना सरपंच भवानी सिंह देवड़ा ने कहा कि यूपी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 108 लीटर प्रति बैरल था। उस वक्त भी 90 रुपए पेट्रोल व 82 रुपए डीजल के भाव नहीं थे। पिछले दिनों 18 से 20 डॉलर प्रति बैरल के भाव हुए तो जनता को उसका लाभ देने की बजाय मोदी सरकार ने दो बार उत्पाद शुल्क बढ़ाकर सरकारी खजाना भरने का काम किया। आज भी करीबन 40 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल के भाव हैं, लेकिन देश में लगातार पेट्रोल डीजल महंगा किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस प्रवक्ता व युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हर्षुल अग्रवाल, रेवदर एनएसयूआई अध्यक्ष आकाश मेघवाल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार पिछले कोरोना के काल के दौरान दो बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर के इसको महंगा किया है। हमने सभी जनता की तरफ से और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति के नाम दिया है और उनसे आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार को उस बात के लिए निर्देशित करें कि वो बढ़ाई हुई एक्साइज ड्यूटी जो है वापस लें और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके भाव कम हुए हैं कच्चे तेल के, तो उसका लाभ देश की जनता को दें। इन नीतियों से ये डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा हैं। जो अपेक्स कमेटी है और पूरे वर्ल्ड की, उन्होंने तो क्रूड के भाव कम किए हैं और इन्होंने इतने ज़्यादा भाव बढ़ा दिए हैं कि हमारी किसानों की और आम आदमी की कमर टूट गई है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर जहाँ जहाँ शासन है हिंदुस्तान में, स्टेट्स में, वहाँ तो पेट्रोल डीजल सस्ता है और जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन है वहाँ वहाँ पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो हमारी यही मांग है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी पूरी रेवदर तहसील क्षेत्र से कि इन भाव को कम किया जाए। जागरूक टीवी के लिए रेवदर से विक्रम कुमार की रिपोर्ट।